तो क्या हालचाल दोस्तों, आशा करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। तो आज बात करेंगे, गौतम बुद्ध नगर जिला उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम गौतम बुद्ध के नाम पर रखा गया। यह दिल्ली NCR का एक हिस्सा है और इसे चार प्रभागों यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दादरी और जेवर के विभाजित किया जाता है। ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दादरी, जेवर, धनकौर इस जिले के अंतर्गत में आते हैं। दादरी और बिसरख ब्लॉक गाजियाबाद से अलग किए गए हैं, जबकि धनकौर और जेवर ब्लॉक बुलंदशहर से अलग किए गए हैं। इस भूमि के लोग सक्रिय रूप से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद के वर्तमान में ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सप्रेस के स्थित अलगट गांव सेक्टर 145 नोएडा का इस्तेमाल किया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान छिपने के लिए उन्होंने अलगट गांव के केंद्रीय विधानसभा वर्तमान में संसद भवन के रूप में जाना जाता है पर 1929 के बम हमले की योजना बनाई। इस जिले के कब्जे वाले क्षेत्र की जड़ें रामायण में है क्योंकि ग्रेटर नोएडा में बिसरख गांव, जिसे रावण के पिता विश्वावृषि का जन्म स्थान भी माना जाता है, इस भूमि में स्थित है। महाभारत में धनकौर द्रोणाचार्य का आश्रम था। यहां कौरव और पांडवों ने अपना प्रशिक्षण किया था। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार गौतम बुद्ध नगर की जनसंख्या 16,48,115 है। यह जनसंख्या के मामले में कुल 640 भारतीय जिले में से 239 के स्थान पर आता। गौतम बुद्ध नगर का जनसंख्या घनत्व 1,161 निवासी प्रति वर्ग किलोमीटर यानी 310 वर्ग मील है। महिला साक्षरता दर 72% है जो राष्ट्रीय औसत 64% से बहुत अधिक है। अनुसूचित जातियों की आबादी 13% है। गौतम बुद्ध नगर जिले का नेतृत्व एक जिला मजिस्ट्रेट DM करता है जो आमतौर पर एक IAS अधिकारी होता है। जिले को 3 उपमंडलों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक का नेतृत्व एक उप विभागीय मजिस्ट्रेट SDM करता है। 14 जनवरी 2020 को उत्तर आयुक्तालय लखनऊ जिले के साथ घोषित किया था। ये दो आयुक्तालय सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य में बनाए गए थे। गौतम बुद्ध नगर आयुक्तालय के नेतृत्व एक पुलिस आयुक्तालय करता है जो एक महानिरीक्षण IG रैंक का अधिकारी करता है, जिसके सहायता के लिए 2 अतिरिक्त आयुक्त होते हैं। कानून और व्यवस्था के लिए एक और अपराध और मुख्यालय उप महानिरीक्षण DIG के होते हैं। रैंक इससे पहले एक वर्तमान आयुक्त आलोक सिंह है जो 1995 रैंक की IPS अधिकारी है। जिले को 3 क्षेत्रों में बांटा गया, नोएडा, सेंट्रल नोएडा और ग्रेटर नोएडा, जिसमें 29 पुलिस स्टेशन शामिल हैं। जोन 1 नोएडा है जिसमें सेक्टर 20, सेक्टर 24, सेक्टर 39, सेक्टर 58, सेक्टर 49, एक्सप्रेसवे और महिला पुलिस स्टेशन के 10 स्टेशन शामिल हैं। जोन 2 सेंट्रल नोएडा, जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हिस्से में शामिल है, में 9 स्टेशन है। फेज 2, फेज 3 बिसरख, इटोटेक, सूरजपुर और बादलपुर। जोन 3 ग्रेटर नोएडा में 9 पुलिस स्टेशन है। बीच सेक्टर बीटर 2 नॉलेज पार्क साइड भी आदरी, जारजा, धनकौर, रघुपुर, टोटेक 1 और जेवर। 14 जनवरी 2020 तक गौतम बुद्ध नगर में 3,869 पुलिस कर्मी थे, 42 इंस्पेक्टर, 459 सब इंस्पेक्टर, 972 हेड कांस्टेबल और 2,396 कांस्टेबल। गौतम बुद्ध नगर जिले के 3 विधानसभा सीट नोएडा, दादरी और जेवर है। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुंचे।